hello dear aspirants so i hope you are enjoying the pyq sessions which are going on for this group theory part <coughs> in continuation of that today uh, is the most important session for us why i'm calling it as the most important because there is a very famous group that is group of permutations you can have n number of pyqs out of that symmetric group जिस्ट ऑफ द्रुप क्या मतलब इतनी हजारों चीजें हमें पढ़नी होती हैं, या yeah, कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ पॉइंट हैं जिनके बेस पर उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। तो आज के इस पी व्यूज सेशन का जो मकसद है वो है ग्रुप ऑफ के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल पी वाई क्यूज हैं ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन उन सारे को डिकोड करना ठीक है डिकोडिंग पी वाई क्यूज एंड नॉट ओनली डिकोडिंग बट हाउ टू एड्रेस द डिमांड ऑफ सी एंड फॉरेस्ट सर्विसेस एज फार एज दिस ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन इज कंसर्न कितने टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में हम हाजिर हैं ठीक है तो हो सकता है 30 35 मिनट का सेशन चला जाए ध्यान रखिएगा सारे के सारे चीजों को आज ही के सेशन में हम टैकल कर देंगे एंड आई कैन गारंटी कि आज अगर आपने एक भी वर्ड को स्किप किए बिना यह सेशन पूरा कर लिया तो फिर ग्रुप ऑफ परमोटेशन में आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं बाकी डिसीजन इज चलो तो लेट्स हैव सम क्वेश्चन हियर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ परमोटेशंस जस्ट वेट मिनट प्लीज क्वेश्चन है From the Forest Services, 2012. देखो कैसे पैटर्न इवॉल्व होता है कैसे वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन चेंज होता चला जाता है ओवर इयर्स हम इस चीज को भी आज एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन है सो दैट इन अ सिमेट्रिक ग्रुप सो दैट इन सिमेट्रिक ग्रुप s3 there are four elements there are four elements sigma satisfying sigma square as identity and देखना क्वेश्चन इजी है या टफ है केवल देखने भर से और भाग जाने भर से कि ये तो हो जाएगा यार बहुत आसान है वहीं आपको जरूर रुकना चाहिए ये समझना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या मोटिव रहा होगा कहां गलती होने के चांसेस हैं कहां मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज एक्सप्रेस करने में फंस सकता हूं ठीक है तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको कि भागिए मत स्किप मत कीजिए चीजों को आपको आ रहा है जस्टिफाई कीजिए लिखने की कोशिश कीजिए यू विल कम टू नो कि कहां लूप होल्स है लिखने की कोशिश नहीं करेंगे लूप होल्स कभी पता ही नहीं चलेंगे एंड थ्री एलिमेंट्स सेटिस्फाइंग एंड थ्री एलिमेंट्स सेटिसफाइंग सिग्मा थ्री कंपोजिशन इज आइडेंटिटी ठीक है दैट्स अ क्वेश्चन फॉर अस नाउ चलिए कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को ना <laughs> चले देखेंगे कैसे इसको करना है सिमेट्रिक ग्रुप S3 पहले तो इस पर फोकस कीजिए सीधा आंसर लिख के काम नहीं चलेगा सिंस S3 इज देखिए collection of all one one on two functions from a set s of three symbols onto s itself कहने का मतलब S3 जो होता है वो क्या है कलेक्शन ऑफ ऑल वन वन ऑन टू फंक्शंस हैं फ्रॉम द सेट S विद द थ्री सिंबल्स तो लेट इफ सेट ऑफ थ्री सिंबल्स को आपने 1 2 3 ए बी सी व्हाटएवर यू विश टू हैव यू कैन डिनोट बाय दैट सो S3 विल बी ध्यान से देखेगा इफ यू डिनोट द फर्स्ट फंक्शन बाय जहां 1 का इमेज 1 2 का 2 3 का 3

फ्रॉम द सेट एस टू इट सेल्फ ठीक है यू कैन डिनोट दीज वाई आई मान लो इसको सिग्मा वन लिख दिया इसको सिग्मा टू लिख दिया इसको सिग्मा थ्री लिख दिया इसको टाउ वन लिख दिया इसको टाओ टू लिख दिया अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर आप आई कंपोजिशन आई कंपोजिशन टू टाइम्स करेंगे यू विल गेट आई इट सेल्फ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आप इसको करके देख सकते हैं राइट सिमिलरली यू कैन डू कि सिग्मा वन स्क्वायर जो है वो भी आइडेंटिटी मिल रहा है सिग्मा टू स्क्वायर भी आइडेंटिटी है सिग्मा थ्री स्क्वायर भी आइडेंटिटी है अब सिग्मा स्क्वायर आइडेंटिटी क्यों है यह भी आपको जस्टिफाई करना ही होगा योर आंसर विल बी हाफ रेट आई होप द ऑल तो अब आपको सिग्मा वन स्क्वायर देखने की अगर जरूरत है तो सिग्मा वन क्या था वन का इमेज वन थ्री इज इमेज कंपोजिशन इज वॉट सिग्मा वन कंपोजिशन सिग्मा वन टू टाइम्स तो वन का वन थ्री इज सेल्फ इमेज इफ यू कंपोज अभी आप वन टू थ्री का इमेज निकालना चाहें सो so यहाँ वन का टू टू का वन सो दिस कम्स वन वन का टू सो दिसमेज थ्री थ्री का थ्री वन so का इमेज वन टू का टू टू का थ्री का थ्री दैट कम्स आउट एज आई सिमिलरली यूल है इमेज थ्री थ्री का वन टू का टू so कंपोजिशन वन का इमेज थ्री थ्री का वन टू का टू यू विल गेट दिस वन का इमेज थ्री थ्री का वन टू का इमेज टू टू का टू दिस कम्स आउट आईडेंटिटी अगेन सिमिलरली यू विल हैव टू राइट दिस सिग्मा क्या था वन का इमेज वन टू का थ्री थ्री का टू कंपोजिशन वन का वन टू का थ्री थ्री का टू एंड दिस कम्स आउट एज वन का इमेज वन वन का वन टू का थ्री थ्री का टू दिस कम्स आउट एज अगेन तो अपने पास कितना मिल गया दैट इज थ्री हैज एग्जैक्टली फोर एलिमेंट्स विच सेटिस्फाई सिग्मा स्क्वायर एज आइडेंटिटी कौन कौन से एलिमेंट हैं फोर आई सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री राइट right? अब आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए उसने कहा यहीं तक बात नहीं है आपको तीन एलिमेंट्स ऐसे भी दिखाने हैं जो सिग्मा थ्री मतलब थ्री टाइम्स कंपोज करने पर आइडेंटिटी दे रहे हो तो चलिए उसमें क्या दिक्कत है उसको भी कर देंगे आई कंपोजिशन आई थ्री टाइम्स दैट इज आई यू कैन ऑब्जर्व टाउव कंपोजिशन थ्री टाइम्स दिस विल बी वन टू थ्री कंपोजिशन सॉरी सॉरी टाउ एलिमेंट क्या है वन का इमेज टू टू का थ्री थ्री का वन कंपोजिशन वन का टू टू का थ्री थ्री का वन कंपोजिशन वन का टू टू का थ्री थ्री का वन इफ यू ऑब्जर्व वट इज गी टू कंपोजिशन एफ ओ जी ऑफ एच ऑफ एक्स आप कैसे निकालेंगे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए वन का इमेज टू टू का थ्री थ्री का वन सो दिस कम्स टू का इमेज थ्री थ्री का वन वन का टू सो दिस द सेम मैनर यू कैन गो फॉर डियर फेलोज आपको लिखना जरूर है सो वन का टू टू का वन वन का टू टू का वन वन का टू टू का वन दैट कम्स आउट एज आप चेक कर सकते हैं यू विल गेट वन का तो हम क्या बोलेंगे सच दैट exactly जहां पर थ्री टाइम्स कंपोज करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है कौन कौन से एलिमेंट हैं? आई ओ वन आप पाएंगे आई दोनों में कॉमन है राइट right? तो दिस इज द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर में एक भी इंटरप्रिटेशन को मिस करते हैं योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड और ये ब्यूटी जो है ये जो लर्निंग्स हैं, ये कहाँ से आते हैं जब आप सिस्टमेटिक लर्निंग करते हैं डेफिनेशंस को इग्नोर नहीं करते हैं आपको ये पता रहता है कि एसन डिफाइन कैसे किया जाता ई होप थिंग्स आर क्लियर चलिए डोशीड नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन उठाते हैं क्वेश्चन नंबर टू वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और अभी मैं बताऊंगा कि मैं इसको ब्यूटीफुल क्यों बोल रहा हूं 2016 Forest Services Question. So that any non-abelian, so that any non-abelian group of order 6 group of order 6 is isomorphic to S3. That is the question for us. पॉज द वीडियो ट्राई द क्वेश्चन सभी लोग मजाक नहीं कीजिए कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आंसरिंग द क्वेश्चन ओनली इज नॉट द पर्पज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट talk, है ना कि पीछे जाइए क्यों पूछा होगा ये क्वेश्चन क्यों दिमाग में आया होगा ये क्वेश्चन और क्यों फिर से पूछा जा सकता है ये हो सकता है अगली बार आपको सीएससी में सेम क्वेश्चन दिखाई दे जाए ठीक चलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट टॉक्स अटेंड किए हैं नहीं भी किए हैं फिर भी मैं आपको यहां पर एक जिस्ट देता हूं देखिए अपने पास कैलेस थ्योरम है ठीक है ऐसा नहीं है क्वेश्चन उसने पूछ दिया इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं नहीं अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग के थ्रू जाते हैं तो आप कैलेस थेरम स्किप नहीं कर सकते आप वो पढ़ते ही हैं क्योंकि तो बहुत फेमस है स्टैंडर्ड है क्या कहता है कैले थेरम लेट जी बी अ ग्रुप बी एट साइकलिक बी एड अबेलियन नॉन अबेलियन कुछ भी बना रहे वो ठीक लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इसका मतलब क्या हो गया फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो गया देन वी कैन कंस्ट्रक्ट ए परम्यूटेशन ग्रुप एस जी मीन्स कंस्ट्रक्टिंग दैट ग्रुप विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्रुप रिगार्डिंग माई पॉइंट ये उस ग्रुप के लिए उसका परमुटेशन ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना कहलाता है एस जी सच दैट जी इज आइसोमोरफिक टू एस जी ठीक है बात समझ पा रहे हैं आप लोग अब मैं आपको एक एग्जांपल से उस क्वेश्चन का आंसर तो जस्ट दो मिनट में लिखा जा सकता है उसमें कोई नॉट अ बिग डील बट स्टिल आई वॉन्ट टू इनकलकेट सम्किल्स इन यू फॉर दैट आई वुड लाइक टू एक्सटैंड दिस अंडरस्टैंडिंग देखिए ध्यान से फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक ग्रुप ले लिया वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑब्सली क्यूब रूट ऑफ यूनिट्स ही हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ग्रुप बनाएगा अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं इस जीप के सहारे कुछ वन वन ऑन टू फंक्शन डिफाइन करने की उन्हीं को तो बोलते हैं देखिए ध्यान से मैंने क्या किया एक फंक्शन डिफाइन किया जी से जी के ऊपर सच दैट इस एफ वन ने वन का इमेज जो दिया वो वन इन टू वन दिया सॉरी एफ वन ने ओमेगा का जो इमेज दिया वो वन इंटू ओमेगा दिया एफ वन ने ओमेगा स्क्वायर का जो इमेज दिया वो वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा दैट इज यू हैव डिफाइंड अ फंक्शन मान लो इसको आपने पहला लिया वन इंटू वन सो वन वन इंटू ओमेगा सो ओमेगा एक फंक्शन एफ वन नाम है जस्ट उसको आप कुछ भी अल्फा, बीटा गामा लिख सकते हैं सिमिलरली यू हैव डिफाइंड अन अदर फंक्शन लेट्स इट डिनोट बाई एफ ओमेगा और इसको आपने डिफाइन कर दिया कि भैया मेरा एफ ओमेगा जो है वो इस तरीके से होगा कि ओमेगा से इसमें मल्टीप्लाई करती थी मतलब इमेज के लिए तो बेसिकली एफ ओमेगा इज अ जी टू जी फंक्शन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज वन ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सिमिलरली यू कैन डिफाइन एफ ओमेगा स्क्वायर जी से जी सच दैट क्या कर दिया अब आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया हर एलिमेंट को इमेज लेने के लिए तो दिस कम्स आउट एज यहां पे बना ओमेगा स्क्वायर यहां वन यहां ओमेगा क्लियर है बात अब आप क्या कीजिए एक सेट लीजिए एस जी जिसके की एलिमेंट हैं ये फंक्शंस ठीक जिसके एलिमेंट्स हैं ये फंक्शंस देन यू कैन प्रूव एस जी इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ओके यहां तक कोई डाउट दैट इज द स्टेप वन कंस्ट्रक्टिंग दैट परमुटेशन स्टेप टू क्या है ध्यान से देखिएगा दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिस्टमेटिक लर्निंग आप क्या कीजिए कि आपको जी और एस जी को आइसोमॉर्फिक दिस इज सिंबल फॉर आइसोमार्फिजम यू वॉन्ट टू शो कि जी एंड एस जी आर आइसोमर्फिक तो आइसोमोर्फिक शो करने के लिए क्या किया जाता है बताइए वी हैव टू फाइंड अ मैपिंग वी हैव टू फाइंड ए मैपिंग अल्फा सच दैट जी टू एस जी सच दैट अल्फा जो है वो ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो ऑपरेशन प्रिजर्विंग कहने का मतलब एल्फा ए बी इज सेम एज एल्फा ए एल्फा बी एल्फा जो है वो वन वन ऑन टू हो आइसोमॉर्फिज्म भी खुद में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट अब ये जो मैपिंग फाइंड की जाती है इसका भी कॉन्सेप्ट टॉक्स के थ्रू आपको कई बार आपके अंदर ये चीजें इनकलकेट करने की कोशिश मैंने की है तो ये जो अल्फा है ये अल्फा कैसे डिफाइन किया जाएगा वो इन दोनों की पहचान को यूज करके किया जाएगा उसके लिए कोई बहुत बड़ा रूल नहीं होता है कोई कानून नहीं होता है वो जो ग्रुप आपके पास है जी और एस जी उनकी पहचान को यूज कीजिए उनकी पहचान अगर आप नजर में डालें तो जी है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये है एफ वन एफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो आप क्या कर दीजिए इस अल्फा को डिफाइन कर दीजिए कि वन गोज टू एफ वन ओमेगा गोज टू एफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गोज एफ ओमेगा स्क्वायर यू विल फाइंड ऑल दीज सेटिस्फाइड एंड सो यू विल से कि एन बिटवीन जी एंड एस जी सो जी इज आइसोम टू अब आप कहेंगे सर जो क्वेश्चन पूछा गया था आपने उसका आंसर नहीं दिया मैं आपसे ये कहूंगा कि उसका आंसर इस चीज को समझे बिना आप नहीं समझ सकते थे अब आपको अगर उसका आंसर ही चाहिए तो इस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए आप बढ़ सकते हैं मान लो कैपिटल जी एक ग्रुप है जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव ऑब्वियसली इसी में कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा बी अ अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर अब क्या कीजिए आप लेट्स कंस्ट्रक्ट परमुटेशन ग्रुप एस जी ठीक एस जी के अंदर क्या कीजिए फंक्शंस उठाइए एफ जी वन एफ जी टू एफ जी थ्री एफ जी फोर एफ जी फाइव एफ जी सिक्स वेयर ध्यान से देखना वेयर कोई भी एक जनरल फंक्शन के लिए आप देख दीजिए एफ जी आई इज अ वन वन ऑन टू फंक्शन सच दैट ध्यान से देखना आप जी आई जी वन ध्यान से देखिए आपने कैसे डिफाइन किया था वन इन टू दैट सो दिस विल बी जी आई इंटू जी वन जी टू के लिए जी आई जी टू ठीक है जी थ्री के लिए जी आई जी थ्री जी सिक्स के लिए जी आई जी सिक्स बात समझ पा रहे हैं आप तो एफ जी वन आप डिफाइन कर सकते हैं एफ जी टू आप डिफाइन कर सकते हैं एफ जी थ्री डिफाइन कर सकते हैं अब क्या कीजिए Let's define alpha from G to S G such that alpha of G I goes to F G I. You can show clearly alpha is operation preserving one one and on two. So जी इज आइसोमोरफिक टू एस जी अब आप कहेंगे कि सर उसने तो एस थ्री बोला था आपसे प्रॉब्लम है इन्हीं में से कोई एक आई सिग्मा वन सिग्मा टू सिगमा थ्री टाउ वन टाउ टू मान के आगे बढ़ जाइए क्या दिक्कत है वो एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है हो गया आपका काम बिना किसी तनाव लिए हुए अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल एल्फा जी आई ध्यान से देखिएगा अगर आप ये देखेंगे एल्फा जी आई जी जे राइट तो फॉर द गिवन जैसे आपने डिफाइन किया है दिस मिस्ट पी एफ जी आई जी जे एल्फा जी आई कंपोजिशन एल्फा जी जे ये क्या हो जाएगा एफ जी आई कंपोजिशन एफ जी से राइट right? अब आपको वन एंड टू को सेम दिखाना चाहिए दैट इज द लिटरल मीनिंग्स ऑफ सोइंग ऑपरेशन प्रिजर्वेंस मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप एक एक लाइन का अपना महत्व होता है केवल लिखवर देने से काम नहीं चल जाता इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन प्लीज ट्राई टू फिल ऑल द गैप हियर यूटली यू विल सर्टेनली एंजॉय डूइंग द थिंग्स हियर और इसके सहारे एक प्रॉब्लम नहीं जो उसने पूछा था कितने सारे प्रॉब्लम्स को मैंने टैकल कर दिया है इसको बोलते हैं एस जी को बोला जाता है रेगुलर परमोटेशन ग्रुप अब कंपोजिशन ऑफ फ़ंक्शंस पर आप कितना प्रैक्टिस करते हैं कैसे इन चीजों को आप तुरंत एक सेकंड के अंदर खेल कर आगे निकल जाते हैं दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस बात क्लियर है सबको चलिए बाकी यहां पर मैंने क्विकली इसलिए किया क्योंकि कॉन्सेप्ट टॉक में ऑलरेडी हम रेगुलर परमुटेशन ग्रुप और कैलेस थेरम पर काम कर चुके हैं इफ यू मस्ट अटेंड दैट क्लियर है अभी तो ग्रुप ऑफ परमुटेशन में पहला क्वेश्चन उठाया था दूसरा क्वेश्चन ये उठाया आई होप अभी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि यहां पर किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग सेम क्वेश्चन यू कैन मतलब इसी का क्वेश्चन है ये देखिए क्वेश्चन क्या है They have asked in CSE two thousand seventeen, UPSC CSE two thousand seventeen, let G be a group of order N, let G be a group of order N, okay, so that so that G is isomorphic. ए सब ग्रुप ऑफ द परमुटेशन ग्रुप टू ए सब ग्रुप ऑफ दर्मुटेशन ग्रुप एस एन अगर क्वेश्चन देखकर आपको एकदम से ये नहीं चहक आई कि यार कंसेप्चुअल लर्निंग की क्या ब्यूटी है तो सर्टेनली आपने कुछ ना कुछ मिस किया है फिर क्या कह रहा है कैले थेरम है भाई कैले थेरम और कैले का प्रूफ कैसे होता है आई हैव टोल्ड यू हियर जीवन जी टू जी थ्री जी सिक्स जी एन तक चले जाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बोलिए दिस वी हैव ऑलरेडी डन और नॉट क्या कीजिए जी को लिख दीजिए g1 जी टू जी एन फिर एस जी बना लीजिए एफ जी वन एफ जी टू एफ जी एन एक मैपिंग फाइंड कर लीजिए जी से एस जी के ऊपर सच दैट अल्फा ऑफ जी आई गोज टू एफ जी आई और शो so कर दीजिए कि अल्फा इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग वन वन एंड वन टू बोलिए आनंद आया कि नहीं अब इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में कितना आपको बुखार आता था, था उसका आइडिया तो मुझे नहीं है लेकिन अपना एज ए स्टूडेंट मुझे जरूर पता है कि बहुत रुलाई आता था बुक में देखते थे समझ ही नहीं आ रहा है कर क्या रहा है लेकिन स्टेप बाई स्टेप जब डिकोड करने लगे तब चीजें समझ में आई कि यार ऐसा नहीं है बहुत आसान भी बनाया जा सकता है क्लियर है अभी आगे बढ़े ग्रुप ऑफ परमोटेशन में ही रहेंगे ओके लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन और ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्यों है इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ए टू थाउजेंड नाइनटीन फॉरेस्ट सर्विसेस में पूछा है क्वेश्चन है सो दैट द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप सो दैट द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप बी ऑफ ए फोर कंटेनिंग इसको कंटेन कर रहा है बहुत ध्यान से लिखना है इस चीज को वन टू थ्री फोर वन थ्री टू फोर एंड वन फोर टू थ्री इज आइसोमरफिक ए लाइन और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे ग्रुप्स का मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया है जो बहुत फेमस है सेपरेटली उन पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एक क्यों वो फेमस है कॉन्सेप्ट टॉक में हम इन चीजों पर डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं राइट और नॉट यह है ना <laughs> चलिए अब आप ये कहेंगे कि सर ए फोर ए ए का कभी भी किसके बारे में भी सवाल पूछ लेता है तो क्या मुझे सबको रटने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई साहब ए थ्री तो पता ही चल जाता है आसान सा होता है नहीं लिख पाए कोई फर्क नहीं पड़ता ए फोर के एलिमेंट्स को लिखने की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी चाहिए अब अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है कलेक्शन ऑफ इवन परमोटेशन होता है इवेंटोटेशन क्या होते हैं जिनके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन नंबर में रहेंगे कैसे इवन नंबर ऑफ परमोटेशंस एक्सप्लोर किया जाता है अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड टो यू मस्ट अटेंड द कॉन्सेप्ट अल्टरनेटिंग ग्रुप आई एक्सप्लेन द थिंग्स इन दैटीवेल हियर आई वुड लाइक टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फोर वंस अगेन सो दैट यू कैन रिकॉल टो राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ इसके लिए ए फोर के लिए राइट लेट्स हैव दैट रिकॉल राइटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए फोर ठीक है दैट इज कलेक्शन ऑफ दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल परमोटेशन एस फोर तो लेट्स राइट दैट सबसे पहला तो आइडेंटिटी परमोटेशन फिर फोर सिंबल्स हैं वन टू थ्री वन थ्री टू वन टू फोर वन फोर टू वन थ्री फोर वन फोर थ्री टू थ्री फोर टू फोर थ्री फिर वन टू थ्री फोर दो दो साइकिल्स को लेकर वन थ्री टू फोर वन फोर टू थ्री तो दिस इज द अल्टरनेटिंग ग्रुप ए फोर जिसके बारे में आपको इसके एलिमेंट्स को याद रखना ही चाहिए मैंने इन एलिमेंट्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू लिखना भी सिखाया हुआ है कॉन्सेप्ट टॉक में अगर आप भूल गए हैं तो मैं जस्ट एक क्विक रिकैप उस पर डालता हूँ ध्यान से सुनिए <coughs> अगर आप इवन परमोटेशंस की बात करते हैं दोस्त तो अगर किसी साइकिल की लेंथ ऑड है तो उसके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस इवन निकल कर आएंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें वन टू थ्री ऑड लेंथ की थ्री लेंथ की साइकिल है तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज वन थ्री वन टू दिस इज अ ट्रांसपोजिशन दिस इज अ ट्रांसपोजिशन सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई

ए तो फोर को एलिमेंट्स को लिखना अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑड लेंथ की साइकिल्स ले लीजिए और टू लेंथ की साइकिल्स के कंपोजिशन ले लीजिए डिसज साइकिल्स के कंपोजिशन प्लीज हाईलाइट द वर्ड डिसंट यू कैन सर्टेनली राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए फोर ऑल दो इस क्वेश्चन के लिए ए फोर लिखना वॉज नॉट दैट मच मैंडेटरी बट हियर आई एम ट्राइंग टू डिकोड ऑल द पी वाई क्यूज नॉट ओनली आंसरिंग द क्वेश्चन राइट right. तो अगर आप इस ए फोर की बात करेंगे दोस्त यहाँ पर तो आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए अब अपने क्वेश्चन पर जाइए आपके क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है देखिए ध्यान से आपने एक वी उठाया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो आपने लिए हैं वो लिए हैं वन टू थ्री फोर है 1, 2, 3, 4, ना वन थ्री टू फोर और उठाए हैं वन फोर टू थ्री अब देखिए ये वाला ये एलिमेंट और चूंकि आपने उसको सब ग्रुप बोल दिया है तो सब ग्रुप है तो ग्रुप होगा ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो रखेगा वहां पर तीन एलिमेंट देके भागा था लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि भैया इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपको है सिंस बी इज अ सब ग्रुप बोलिए एकदम विश्वास के साथ कहिए आर यू क्लियर अबाउट द थिंग्स और नॉट अब आप ऑब्जर्व कीजिए देखिए वन टू थ्री फोर अगर इसका कंपोजिशन टू टाइम्स किया जाए ध्यान से देखिएगा इफ यू आर कंपोजिंग दिस एलिमेंट टू टाइम्स वॉट यू आर गोना गेट यू आर सर्टेनली गोना गेट द आईडेंटिटी दैट इज वन टू थ्री फोर का जो ऑर्डर है दैट इज टू सिमिलरली ऑर्डर ऑफ वन थ्री टू फोर दैट इज टू ऑर्डर ऑफ वन फोर टू थ्री दैट इज ऑल्सो टू एंड दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट सो इट इज ऑफ ऑर्डर वन राइट वट वी कैन डू हियर इज इसी पर लिख देता हूं ठीक सिंस के लाइन्स जो के फोर ग्रुप होता है दैट इज लाइक कलेक्शन ऑफ फोर एलिमेंट्स जहां हर एक एलिमेंट होता है सेल्फ इनवर्स राइट और नॉट नाउ वी कैन डिफाइन अ मैप फ्रॉम बी टू K4. क्या करिए आप मान लो इसको आपने लिख दिया एक्स बाई जेड ई ठीक है तो आप अल्फा बी से जा रहे हैं तो एक्स को भेज दीजिए ए पर बाई को भेज दीजिए बी पर जेड को भेज दीजिए सी पर और वहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको भेज दीजिए ई पर यू कैन ऑब्जर्व एल्फा इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग वन वन एंड ऑन टू आपको यह शो करना पड़ेगा अदरवाइज योर आंसर विल बी हाफ एंसर्ड ऑपरेशन प्रिजर्विंग कैसे है वन वन ऑन टू तो चलो ठीक है यू कैन राइट बाई ऑब्जर्वेशन वी कैन राइट नो एलिमेंट का इमेज No two elements have the same image, so those are one one. No element in the k4 have remained or left out. So this is onto as well. But for operation preserving, you must have to show this. तो so उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो K lines four group में आपने composition लिया है, उस composition को use करके, for example, if you want alpha x by क्या दिखाई देगा? Just मैं आपको एक hint कर रहा हूँ, alpha x by क्या दिखाई देगा? और अल्फा एक्स कंपोजिशन अल्फा बाई क्या दिखाई देगा इन दोनों चीजों को आपको अगले दो लाइन में लिखकर दिखाना ही होगा अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड मेरा जो पूरा का पूरा फोकस है डिकोडिंग दीवाई क्यूज पर यहां पर वो मैं आपको ये जेस्चर देने की कोशिश कर रहा हूं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त कि जब भी आप एसएन का कोई क्वेश्चन देखें तो आप यकीन मानिए एक तो इससे पहले हमने जो चीजें डिस्कस की वो फिर अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में अगर आपने ये एलिमेंट्स याद रखे हुए हैं आपको पता है इवन परमोटेशन क्या होते हैं और अगर आपको फोर ग्रुप नहीं पता होता तो आप अगेन यू गेटिंग माय पॉइंट अब ऐसा भी नहीं है कि आपको एक हजार के स्ट्रक्चर्स याद करने हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अगर आप ऐसा समझते हैं यू मस्ट अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक्स ऑफ इनिशियल थिंग्स वेयर आई एक्सप्लोर द ऑल पॉसिबल ग्रुप स्ट्रक्चर यू शुड नॉट मिस दैट क्लियर है तो ए फोर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप की जानकारी आपको मदद करने वाली है लेट्स फेस फॉर सम अदर क्वेश्चन सी चलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछता रहता है तो इसका भी बाजा बजा ही देते हैं क्वेश्चन है एस एट में पूछा है 2015 फॉरेस्ट सर्विसेज फॉरेस्ट एक क्वेश्चन पूछा है एस टेन वाला 2013 हजार तेरह क्वेश्चन है What is the maximum possible what is the maximum possible order of a permutation what is the maximum possible order of a permutation in the group s8 okay? जस्टिफाई योर आंसर ध्यान से देखना इस वर्ड पर मैं क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा जस्टिफाई योर आंसर पूरा यूपीएससी आपको लिख कर देगा मेजोरिटी ऑफ मार्क्स विल बी गिवन फॉर जस्टिफिकेशन एक यहां पर एस एट पर पूछा था इसमें एस टेन पर पूछा था कहने का मतलब अब वो एस एट पूछे एस टेन पूछे ये उसकी अपनी श्रद्धा है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम एकदम से क्रिस्टल क्लियर है अपने दिमाग में कि इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या होता है तो दिस इज थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ द परमुटेशन और मैं क्यों इसको कैटेगराइज कर पा रहा हूं क्यों आज के सेशन के बाद थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए थोड़ा सा सेशन ऊपर ले जा रहा हूं पाँच सात मिनट दैट so पूरा का पूरा सिमेट्रिक ग्रुप समराइज हो जाए ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं किसी को दिक्कत होगी तो भी क्या करोगे है ना? चलिए देखिए ग्रुप ऑफ परमुटेशंस में अगर आप बात करें तो इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखने टाइम क्या किया जाता है देखिए नो दैट और ऐसे ही आपको जस्टिफाई करना चाहिए वी नो दैट एवरी परमुटेशन और एलिमेंट इन द ग्रुप एस एन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए साइकिल और प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट साइकिल्स ये आपको लिखना चाहिए राइट ऑल्सो लेट इफ एनी परमुटेशन एफ इज रिटन इन द फॉर्म लेट से ए वन ए टू ए थ्री ए एम बी वन बी टू बी थ्री बी एन एम वन ले लेता हूं एम टू ले ले लेता हूं बस इतने में ही लिख लेते हैं तीन चार कुछ भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो सकते हैं लेट से सी वन सी टू सी एम थ्री ऑर्डर ऑफ एम बिल एफ LCM एलसी एम M2 एम टू एम थ्री क्या है एम बन इज द लेंथ ऑफ साइकिल एम टू इज length ऑफ दिस साइकिल एम थ्री इज द लेंथ ऑफ दिस साइकिल तो अगर आपको एस एन में अब एसेट में पूछा है एस पचास हजार में किसमें पूछा है मारो ना गोली उसको यार <laughs> तुमको जो पूछना है पूछते रहिए अब अपना जस्टिफिकेशन हो चुका है ठीक है सो so, लेट्स से आप बात कर रहे हैं एस टेन में ठीक है एस टेन क्योंकि इट हैज टेन सिंबल्स सो लेट्स पार्टीशन टेन सिंबल्स सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम एलसीएम एग्जाम्पल देखना ध्यान से एस टेन में आपने क्या किया टू लेंथ की साइकिल ले ली ध्यान से देखिएगा कैसे सोचा जाएगा एक आपने थ्री लेंथ की साइकिल ले ली ठीक है अब आपने एक ले ली फाइव लेंथ की साइकिल तो अगर कोई एफ ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ एफ विल बी साइकिल्स बोलिए हाँ या ना तो ये एलसीएम क्या मिल सकता है मान लो आपने एफ ले लिया ये थ्री लेंथ की साइकिल और दूसरी ले ली सेवन लेंथ तीन तीन छत क्योंकि total symbols 10 ही है, तो तो ही आपने मान लो एफ ले लिया फाइव लेंथ की साइकिल फाइव लेंथ की साइकिल तो दिस ऑर्डर ऑफ एफ विल बी ऑफ़ फाइव एंड फाइव एंड दैट कम्स आउट एज फाइव आई गैस आपको क्रिस्टल क्लियर चमक गया होगा कि इस टाइप के झूठ मूठ के तमाशा टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं आपसे बोलिए हाँ या ना अरे एकदम विश्वास के साथ कहिए भाई डरते क्यों हैं? <laughs> बिना किसी तनाव के कहिए हां सर अब इस टाइप के क्वेश्चंस का बाजा बजा दिया जाए क्लियर है अभी फॉर एग्जांपल एस टेन में थर्टी ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिल सकता है मैक्सिमम राइट चलिए जस्ट वन मोर कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन एस एन देट इज फाइंडिंग नंबर ऑफ कॉन्ज्यूगेसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉन्ज्यूगेट टू सम गिवन एलिमेंट another कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे इन एस एन में कॉन्ज्यूशी से रिलेटेड फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉन्स्यूगेट टू सम गिवन एलिमेंट इन द परमुटेशन ग्रुप एस एन ठीक है अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है एक पॉइंट याद रखने वाला है चाहे तो लिख लीजिए एग्जाम पॉइंट करके क्या होता है टू एलिमेंट्स एलिमेंट्स परमुटेशन कहलाते हैं एस एन में ठीक है आर कॉन्ज्यूगेट टू ईच अदर इफ देव द सेम साइकिल पहला पॉइंट दूसरा नंबर ऑफ आर साइकिल्स मतलब साइकिल्स ऑफ लेंथ आर साइकिल्स ऑफ लेंथ आर इन एस एन दो आर गिवेन बाई वन अपॉन आर एनपीआर ठीक है

फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉन्ज्यूगेट टू मान लो कोई एलिमेंट ले लिया वन टू थ्री सेवन एट इन एस टेन ठीक तो व्हाट विल बी योर आंसर सिंस एफ इज अ फाइव साइकिल साइकिल ऑफ लेंथ फाइव तो नंबर ऑफ कॉन्ज्यूगेट एलिमेंट्स टू एफ विल बी टोटल नंबर ऑफ फाइव साइकिल्स इन एस टेन एंड दैट विल बी वन अपॉन फाइव टेन पी फाइव खत्म कहानी बच गया बाजा इसका विश्वास इस दिलाइए सारे लोग कोई डाउट <laughs> इनके अलावा और कुछ कहानी और कोई कथानक आपको नहीं चाहिए में अब नंबर ऑफ होमोमोरफिज्म वाली जो बात है जो क्वेश्चन पूछता है एस थ्री से जेड थ्री के ऊपर लाइक दैट तो उसके लिए जब मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमोर्फिज्म पढ़ाया था कॉन्सेप्ट टॉक में वहां बहुत क्लियरली आपको सिखाया हुआ है अब मैं उसको यहां वापस से दो चार मिनट फिर से आपका टाइम वेस्ट करूं आई डोंट फाइंड दैट इज वर्दी इनफ वट आई सजेस्ट यू होमोमोरफिजम्स में जब मैंने फंडामेंटल थेरम ऑन होमोमारफिजम का कॉन्सेप्ट टॉक आपको बताया है आप उसके अंदर जाइए जी कर फाई आइसोमॉर्फिक टू इमेज फाई को यूज करके कैसे दिखाया जा सकता है कि द ओनली पॉसिबल होमोमोरफिज्मी एंड जैड थ्री इज द ट्रीवियल होमोमोरफिज आई बिलीव यू पीपल आर वेरी मच डिस नॉट फॉरगेट टू अटेंड दैट एज बल सो दैट ये ग्रुप ऑफ परमुटेश जो खेल है आज के कॉन्सेप्ट टॉक में मैंने इसको पूरा एकदम कॉम्प्रिहेंस आपको कर दिया है इसके अलावा आपको लेफ्ट राइट right, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं और ऐसा क्यों मुझे कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि आई हैव एक्सप्लोर्ड एन नंबर ऑफ एग्जाम्स आई हैव रिटर्न द सी एस ई मल्टीपल टाइम्स आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड आई ट्राइड टू फिगर आउट दिनेरियोज वट आर द पॉसिबल सीनेरियोज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप आप लोग जानते हैं ग्रुप ऑफ परमुटेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप स्ट्रक्चर बन जाता है राइट right? तो आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक में धैर्य के साथ सारी चीजों को अटेंड करने के लिए आपको जादुवाद आपको धन्यवाद मैं ये गारंटी करता हूं कि अब इस कॉन्सेप्ट टॉक में अगर आपने चीजों को क्लियर कर लिया होगा तो अब आपको आगे कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी समराइजिंग द एशन ऑल पॉसिबल कैटेगरीज ऑफ हियर वी हैव आल्सो सीन द पी वाई क्यूज बी एट सी एस सी बी एट फॉर एशन मेन पार्ट इज समराइजिंग द थिंग्स हियर बाकी पी वाई क्यूज सेशन में आपको कैसा लग रहा है डोंट हेजिटेट Please put your suggestions as well. Please put your appreciations as well. I read those comments. I sincerely adopt your suggestions and try to inculcate in upcoming sessions. So, this concept talk series is basically for you guys to never miss the things. I am certainly ready to do the best for you. So, it's enough from my side. Keep learning. Keep smiling. Good luck.